Hello friend, hi, this is your guide. Welcome to UPSC Perseverance. आज हम यहाँ पे आयुष बाबा का डेली क्विज करंट अफेयर डिस्कस करेंगे. इससे पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पे डाले हैं, लगभग मैंने 100 क्वेश्चन डिस्कस किए इस मैगजीन के, जो जनवरी की 2020 का मैगजीन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. अगर वो देखे नहीं होंगे आपने सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो आप जाकर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो. कोई सजेशन होंगे, कुछ इम्प्रूवमेंट करना होगा सो मुझे आप बता सकते हो, और मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो सो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ एज़ पर माई कैपेबिलिटी. सो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ यहाँ पर डाले हैं सो आप एक बार चेक कर लो. आज हम ये मैगजीन पूरा कंप्लीट करेंगे. ओनली 15 क्वेश्चन इस मैगजीन के रिमेनिंग बचे हुए हैं. ये करंट रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, मतलब बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने आयुष बाबा ने यहाँ पर दिए हैं. इसके क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस करते हैं एक रिविज़न की तरह, और ये आपके अपकमिंग UPSC प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल रहेगा 2020 का जो आने वाला है. अभी डेट फिलहाल घोषित होने की है, मतलब डिक्लेयर होने की है, देखते हैं कब तक होती है. क्वेश्चन नंबर 101 पे आते हैं, 101 क्वेश्चन पे आते हैं हमारे. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. इंडिया हैज़ रिसेंटली बैन द इम्पोर्ट ऑफ क्रूड पाम ऑयल एंड रिफाइंड ब्लीच एंड डिडोराइज RBD पाम ऑयल. पाम ऑयल इज़ द चीपेस्ट एडिबल ऑयल अवेलेबल इन नेचुरली, मतलब ये नेचुरली अवेलेबल होता है. सो ये क्वेश्चन करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, इसको ऑप्शन बी यहाँ पे सही है. लेकिन इंडिया ने यहाँ पे रिसेंटली बैन नहीं किया है सो देखते हैं क्या बैन किया है क्या नहीं किया है. इंडिया हैज़ कट डाउन द इम्पोर्ट ड्यूटी क्रूड पाम ऑयल, मतलब यहाँ पे मतलब इम्पोर्ट ड्यूटी को थोड़ा कट किया है, मतलब कम किया है, बैन नहीं किया है. सो दैट्स वाई वो फर्स्ट स्टेटमेंट थोड़ा गलत होता था. रिफाइंड एंड ब्लीच डिडोराइज RBD पाम ऑयल एंड आल्सो मूव RBD ऑयल फ्रॉम द फ्री टू रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट ऑफ इम्पोर्ट, मतलब रिस्ट्रिक्टेड इसमें डाल दिया है, लिस्ट में डाल दिया है इसे. पाम ऑयल द चीपेस्ट एडिबल ऑयल अवेलेबल नेचुरली, ये नेचुरली अवेलेबल होता है. इट इनर्ट टेस्ट मेक इट सुटेबल फॉर द यूज ऑफ द फूड रेंजिंग फ्रॉम द बेकिंग गुड टू फ्राइड स्नैक्स. इट स्टेज रिलेटिवली स्टेबल एट हाई टेम्परेचर एंड देयर फॉर द सुटेबल फॉर द रीयूज एंड द डीप फ्राइंग के लिए इसे यूज़ करते हैं. लाइक वो बहुत सारे आपने जैम्स वगैरह देखे होंगे, सॉसेस वगैरह देखे होंगे, उसमें ये यूज़ किया जाता है. इट इज़ द मेन इंग्रेडिएंट इन द वनस्पति हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल. इंडोनेशिया मलेशिया टुगेदर प्रोड्यूस द 85% ऑफ द वर्ल्ड्स पाम ऑयल, मतलब ये सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं. एंड इज़ अमंग द बिगेस्ट बायर, मतलब इंडिया ये बिगेस्ट बायर है, मतलब इम्पोर्ट कराता है बोथ इंडोनेशिया एंड मलेशिया से प्रोड्यूस रिफाइंड पाम ऑयल. हाउएवर द मलेशिया रिफाइनिंग कैपेसिटी इक्वल्स इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी. दिस इज़ वाई द मलेशिया is keen on the exporting refined oil. Indonesia on the other hand can supply CPO which would allow India to utilize full refining capacity. NASA से related question 102 हमारा question है यहाँ पे 102. NASA series of the great observatory satellite include, यहाँ पे ऑप्शन दिए आपको बताना है. Hubble Space Telescope HST, Spitzer Space Telescope SST and Chandra X-ray Observatory CXO. सो करेक्ट बताना है आपको, मतलब करेक्ट कोड बताना है, मैच द पेयर बताना है. सो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबो, मतलब ये सभी, मतलब नासा सीरीज है ऑफ अ ग्रेट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट. सो ध्यान में रखना हबल स्पेस, स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप, चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी. सो डिस्क्रिप्शन में दिया है यहाँ पे. NASA सीरीज ऑफ ग्रेट ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट आर फोर लार्ज पावरफुल स्पेस बेस्ड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लॉन्च बिटवीन द 1990 टू 2003. दे वेर बिल्ट विद द डिफरेंट टेक्नोलॉजी टू एग्जामाइन द स्पेसिफिक वेवलेंथ एनर्जी रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, गैमा रेज, एक्सरे, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रालाइट. थ्री रिमेन ऑपरेशनल एज ऑफ 2019, हबल स्पेस टेलीस्कोप, गैमा रे प्रोग्राम एंड चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी हिस्ट्री एंड स्पिट्जर हिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 103 पे आते हैं, 103 क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश में. ध्यान में रखना कूनो नेशनल पार्क इज अ प्रोटेक्टेड एरिया इन मध्य प्रदेश दैट रिसीव द स्टेटस ऑफ द नेशनल पार्क इन 2018 में इसको नेशनल पार्क का स्टेटस मिला था. द प्रोटेक्टेड एरिया वॉज एस्टेब्लिश इन 1981 एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद द एरिया ऑफ द
344 स्क्वायर किलोमीटर का है यहाँ पे इन द शिवपुर इन द मेरोना डिस्ट्रिक्ट. इट वॉज ऑल्सो नोन एज द कूनो पालपुर एंड पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. इट इज़ द पार्ट ऑफ द काशियाड गिर डेसिडियस फॉरेस्ट इको रीजन का पार्ट है ये. सुप्रीम कोर्ट ने अलो किया इंट्रोडक्शन ऑफ द अफ्रीकन चीता यहाँ पे. दैट्स वाई ये अभी न्यूज़ में था. सुटेबल फॉर द हैबिटेट इन द इंडिया, मतलब यहाँ पे ये इसका हैबिटेट करने में सुटेबल है यहाँ पे, मतलब ग्रासेस के मैदान्स वगैरह हैं तो चीता मतलब यहाँ पे अच्छे से ग्रो हो सकता है. एंड द एनिमल कोड ब्रॉड इन टू मध्य प्रदेश कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एनी अदर पार्ट ऑफ द इंडिया आफ्टर द डिटेल स्टडी, मतलब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने का सोच रहे हैं, अभी किया नहीं है. एंड नवरादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन द, ये कहाँ पे है नवरादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये मध्य प्रदेश में है, ये भी ध्यान में रखना. ये समटाइम्स मैच द पेयर में आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है, नेशनल पार्क हो या फिर कोई भी इंपॉर्टेंस प्लेसेस के बारे में, जियोग्राफिकल एरिया के बारे में पूछ लिया जाता है. कवरिंग एरिया ऑफ द 1197 किलोमीटर स्क्वायर इज़ द लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ द इन मध्य ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है. एनटीसीए हैड फर्स्ट फ्लीड फाइल्ड पीए इन 2010. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, थोड़ा यहाँ पे डॉग्स बार्क कर रहे हैं, थोड़ा कुत्ते भौंक रहे हैं आजू बाजू में, सो थोड़ा इंटरप्शन हो रहा है, सो हम इग्नोर करते हैं उसे, हम पढ़ते हैं हमारा जो टॉपिक है. सो यहाँ पे फेबर 2019 एनटीसीए ने बोला था कि अपेक्स कोड डैट अफ्रीकन चीता टू बी ट्रांसलोकेटेड इंडिया से नामीबिया, इंडिया में होने वाला था फ्रॉम नामीबिया, मतलब नामीबिया से यहाँ पे इंडिया में लाने वाले थे. एंड नवरादी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में यहाँ पे ये रखने वाले थे इसे. नंदूर माधवेश्वर बर्ड सेंचुरी कहाँ पे लोकेटेड है, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है. नंदूर माधवेश्वर बर्ड सेंचुरी इज़ लोकेटेड इन निफाड तहसील ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट नोन एज भारतपुर ऑफ महाराष्ट्र. भारतपुर गेट्स फर्स्ट रामसर साइट नंदूर, मतलब अभी रामसर साइट का यहाँ पे इसे दर्जा मिला है, वीआईवी का आर्टिकल था. एंड उसके बाद में ये कंसिडर द स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द SISDP प्रोजेक्ट, SISDP प्रोजेक्ट. सो ये पढ़ लेना आप क्या एग्जैक्टली इसका प्रोनाउंसिएशन है. करेक्ट स्टेटमेंट बताने आपको दो ऑप्शन दिए यहाँ पे. इट इज़ द नेशनल इनिशिएटिव ऑफ प्रिपेयरिंग द बेसिक स्पेशियल लेयर यूजफुल इन द प्लानिंग प्रोसेस फॉर द लोकल स्टेट गवर्नमेंट एंड द नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज लीड सेंटर टू द एग्जीक्यूट द प्रोजेक्ट इन द कोलेबोरेशन विद द वेरियस स्टेट रिमोट सेंसिंग सेंटर. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, बोथ वन एंड टू यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं. SISDP प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही है. एक बार डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे. स्पेस बेस्ड इंफॉर्मेशन सपोर्ट एंड डिसेंट्रलाइजेशन प्लानिंग एट द पंचायत लेवल, SISDP इज़ अ नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रिपेयरिंग द बेसिक स्पेशल लेयर यूजफुल इन प्लानिंग द प्रोसेस एट द ग्रास रूट लेवल एज पर द 73rd एंड द 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. NRSC इज द लीड टू सेंटर द एग्जीक्यूटिव द प्रोजेक्ट कॉल इन कोलेबोरेशन विद द वेरियस स्टेट रिमोट सेंसिंग सेंटर फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल इंडिया मोजैक ऑफ द हाई रेजोल्यूशन ऑर्थो प्रोडक्ट ऑफ द DEM ऑफ द कार्टोसैट 1 एंड द रिसोर्स सैट डाटा वॉज प्रिपेयर्ड. द बेसिक थीमेटिक लेयर 1:10K एंड LUNLC ड्रेनेज सेटलमेंट ट्रांसपोर्टेशन वर्क स्लोप एक्सपेक्ट ऑफ वेयर प्रिपेयर एंड द रिलीवेंट कोलैटरल डाटा यूजफुल इन द प्लानिंग एक्सरसाइज वॉज ऑल्सो इंटीग्रेटेड अंडर द फेज टू. दिस प्रोजेक्ट शाल बी इंप्लीमेंटेड शॉर्टली विद द एनहांस स्कोप अपडेटिंग जियो डाटाबेस विद द लेटेस्ट हाई रेजोल्यूशन रिमोट सेंसिंग डाटा स्पेशल डाटा एनालिटिक्स टू जनरेट द सिंपल एंड द रेडी टू यूज योर स्पेशल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट द ग्राम पंचायत. द जियो डाटा स्पेस डाटाबेस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रिपेयर अंडर दिस प्रोजेक्ट आर एक्सपेक्टेड टू बी डिसिमिनेटेड थ्रू द भुवन जियो पोर्टल. सो ये आप एक बार पॉज करके पढ़ लो इसे, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये SISDP प्रोजेक्ट के बारे में आप ध्यान में रखना, समटाइम्स आपको पूछा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर कंसिडर द 107 पे आते हैं. बोडोलैंड रीजन से रिलेटेड आपको दो स्टेटमेंट दिए, करेक्ट स्टेटमेंट बताना. इट लाइज टू द साउथ ब्रह्मपुत्र इन द आसाम एंड बोडोलैंड टेरिटरी एरिया डिस्ट्रिक्ट BTAAD इंक्लूड्स द 5 डिस्ट्रिक्ट विच बॉर्डर बांग्लादेश. सो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है. बोडोलैंड ऑफिशियली द बोडोलैंड टेरिटरी काउंसिल इज द ऑटोनोमस रीजन इन द स्टेट ऑफ आसाम, ना कि ये साउथ ऑफ ब्रह्मपुत्र पे नहीं है, ये लाइज नहीं करता है. ये सपोज ये ऐसा आसाम है यहाँ पे, तो ये ऐसा नॉर्थ साइड में है बोडोलैंड. सो आप मैप में देख लेना एक बार, मतलब गूगल पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा एरिया. ये ऑटोनोमस रीजन है इन द स्टेट ऑफ द आसाम. इट इज़ मेड अप टू द 4 डिस्ट्रिक्ट ऑन द नॉर्थ बैंक ब्रह्मपुत्र रिवर बाय द फुटहिल्स ऑफ द भूटान इन अरुणाचल प्रदेश.
The region is predominantly inhabited by the indigenous Bodo land, Bodo people and other indigenous community of Assam. The official map of the Bodo land include 4 districts of the BTAD deorganization by the government of India. Question number 8 pe aate hain. Auschwitz was recently, iska pronunciation mujhe nahi pata exactly kya hai. Where ye locate kahan pe located hai. So ye Germany se related hai. No, actually Poland se hai. सो ऑप्शन सी सही है इसका, ऑस्विट्स कॉन्सनट्रेशन कैम्प. और यहाँ पे इसका नाम दिया है, वॉज अ कॉम्प्लेक्स ओवर 40 कॉन्सनट्रेशन एंड एक्सटर्मिनेशन कैम्प ऑपरेटेड बाय द नाजी जर्मनी इन ऑक्यूपाइड इन पोलैंड. पोलैंड में था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू एंड द होलोकॉस्ट. इट कंसिस्ट ऑफ ऑस्विट्स 1 द मेन कैम्प स्टैमलैजर इन द ऑस्विट्स 2 कॉन्सनट्रेशन an extermination camp built in the several gas chamber. The camp became the major site of Nazi's final solution to the Jewish question. उसके बाद question number 109 पे आते हैं, 109 पे आते हैं. Consider the following statement with respect to the World Sustainable Development Summit WSDS के related है. Correct statement बताना है. It is the annual flagship event of the Energy and the Resource Terry. And it the inaugural event was held in 2014. So only one statement यहाँ पे सही है. ये annual flagship event है, annual flagship event है टेरी का. सो यहाँ पे पढ़ते हैं हम डिस्क्रिप्शन में क्या दिया, एग्जैक्टली क्या दिया है. द वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द एनर्जी एंड द रिसोर्स इंस्टीट्यूट एनुअल इवेंट. द थीम of the 2020 edition of the summit is toward 2030 goals, making the decade count. It has its journey of the 18 years, matlab abhi 18 saal ho gaye, become the focal point for the global trader and practitioner to congregate on the single platform to discuss the deliberate the over climatic issues universal importance. The summit series has emerged as the premier international event on sustainability with the focuses of the global future. But with an eye on the action in developing world which could bend our common future. Shantilal Shah committee ke bare mein ye kisse associated hai ye batana hai aapko. So ye abortion se related hai. Shantilal Shah committee was appointed by the government of India 1964 mein appoint kiya tha. The committee carried out the comprehensive review of the social, cultural, legal and medical aspect of the abortion, and the committee in 1966 recommended the legalizing abortion in its report to prevent the wastage of the woman health lives on both compensate and the medical groups. So ye abhi news mein tha kyunki 26 week the pehle, abhi 24 week kar diya abortion ke liye. So ye abhi news mein tha. So exact kya hai aap ek bar google search kar lena, yahan pe diya nahi hai. Aur sampriti ke bare mein, ye joint military exercise India and बांग्लादेश से रिलेटेड है मिलिट्री एक्सरसाइज. समटाइम्स आपको मैच द पेयर में सेंटेंस फॉर्मेट में पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स में. एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड AIIBF से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. इट इज़ अ फंक्शन एज द फर्स्ट लेवल ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ऑल लार्ज फ्रॉड केसेज बिफोर द रिकमेंडेशन और द रेफरेंसेज आर मेड टू बी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बाय द रिस्पेक्टिव पब्लिक सेक्टर बैंक्स. इट हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूट बाय द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. एडवाइजरी बोर्ड फॉर बैंकिंग फ्रॉड AIIBF से रिलेटेड, आप एक बार पॉज करके ये दोनों स्टेटमेंट पढ़ सकते हो. इसे CVC ने कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और 50 करोड़, मतलब 50 करोड़ के ऊपर होते हैं उसी को, मतलब वो एग्जामिन करती है बैंक फ्रॉड, मतलब ये रिकमेंड करती है, उनके ऊपर एक्शन लेती है. 50 करोड़ के ऊपर ये बैंक फ्रॉड होना चाहिए. सो ये रिलेटेड है, आप मतलब भी करंट में न्यूज़ में था. ये AIIBF फॉर्म हुई थी कंसल्टेशन विद द RBI. वुड फंक्शन एज द फर्स्ट लेवल ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ ऑल लार्ज फ्रॉड केसेस बिफोर द रिकमेंडेशन और रेफरेंस आर मेड टू द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बाय द रिस्पेक्टिव पब्लिक सेक्टर बैंक. 4 मेंबर बोर्ड होते हैं. ज्यूरिडिक्शन वुड बी कन्फर्म टू दोज केसेज इन्वॉल्विंग इन द लेवल ऑफ द ऑफिशियल जनरल मैनेजर अबो, मतलब जनरल मैनेजर है ना वो, उससे मतलब ज़्यादा बड़ी पोस्ट होनी चाहिए. इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलिगेशन ऑफ द फ्रॉड इन द बोरो अकाउंट, तभी ये मतलब यहाँ पे एक्शन लेंगे. एंड द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 4 मेंबर इंक्लूडिंग चेयरमैन. द टेनर ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर वुड बी फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर, 2 साल का इनका टेनर होता है. यहाँ पे 4 मेंबर होते हैं ये बोर्ड में. क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं.
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रभावती गुप्ता. प्रभावती गुप्ता के बारे में यहाँ पे पूछा है. शी वॉज द डॉटर ऑफ द समुद्र गुप्ता एंड शी वॉज द क्वीन एंड द रिजेंट ऑफ द वकाताका डायनेस्टी. सो ऑप्शन बी यहाँ पे सही है. ओनली टू स्टेटमेंट सही है कि डॉटर नहीं थी समुद्र गुप्ता की. सो प्रभावती गुप्ता मतलब ये 405 की बात है. वॉज द क्वीन एंड रिजेंट ऑफ द वकाताका डायनेस्टी. शी वॉज द क्वीन ऑफ द कंसोर्ट ऑफ द रुद्रसेना सेकंड एंड द रूल एज अ रिजेंट ड्यूरिंग द माइनॉरिटी ऑफ हर सन एंड दिवाकरासेना दामोदरासेना एंड प्रवारासेना फ्रॉम द 385 अंटिल 405. हर फादर वॉज चंद्रगुप्ता सेकंड ऑफ द गुप्ता एम्पायर एंड हर मदर वॉज अ कुबरांगा. शी वॉज द मैरिड टू रुद्रसेना सेकंड ऑफ द वकाताका. सो ये डॉटर थी, डॉटर समुद्र गुप्ता की नहीं थी, ये चंद्रगुप्ता द्वितीय मतलब चंद्रगुप्ता द्वितीय की थी गुप्ता एम्पायर में जो थे. सो ये फैक्ट ध्यान में रखना, समटाइम्स आपको कन्फ्यूज कर सकता है. उसकी ये डॉटर थी. उसके बाद में एशियाटिक चीता से पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन. सो ये एशियाटिक चीता सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट में बताना है आपको. ये ओनली ईरान में है अभी फ़िलहाल में एशियाटिक चीता. ऑप्शन ए सही है यहाँ पे. ओनली वन एशियाटिक चीता. इसे साइंटिफिक नेम है एसिनोनिक्स जुबेटस वेनाटिकस. सो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं पता, बट आप पढ़ लेना एक बार. नोन एज ए ईरानियन और पर्शियन चीता. इज़ अ क्रिटिकल इंडेंजर्ड है इसका, एंड क्रिटिकल इंडेंजर कैटेगरी में है ये चीता सब स्पीसीज सर्वाइविंग टुडे ओनली इन ईरान. मतलब अभी फिलहाल ओनली ईरान में है अवेलेबल ये. इट वंस ओकर्ड फ्रॉम द अरेबियन पेनिनसुला एंड द नियर ईस्ट टू द कैस्पियन रीजन एंड कुजिलकुम डिजर्ट पाकिस्तान में है इंडिया एंड हैज़ बीन एक्सटार्पटेड देयर ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी. ये 20th सेंचुरी में एक्सपायर हो गया था. द कलाहारी डिजर्ट कवर्स द रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. मतलब ये कहाँ कौन से रीजन में है. ये ऑप्शन डी यहाँ पे सही है. ऑल ऑफ द वो है कलाहारी डिजर्ट. ये साउथ अफ्रीका बोस्नावा नामीबिया इन रीजन में पाया जाता है, इन कंट्रीज में पाया जाता है कलाहारी डिजर्ट. ये कवर करता है पूरे रीजन को. इज़ अ लार्ज सेमी एरिड एंड सैंडी सवाना इन द सदर्न अफ्रीका. सदर्न अफ्रीका में है यहाँ पे, सदर्न अफ्रीका ऐसा अफ्रीका कंटिनेंट में. ये एक्सटेंडेड टू 9 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला है यहाँ पे. कवरिंग मच ऑफ द बोस्नावा पार्ट ऑफ द नामीबिया रीजन ऑफ द सदर्न साउथ अफ्रीका. सॉरी बोस्नावा का ज़्यादा पार्ट ये कवर करता है. सो ऐसे हमने ये पूरी मैगजीन मतलब ये आयस बाबा का डेली क्विज कंपाइलेशन 2020 हमने यहाँ पे पूरा डिस्कस किया. 115 क्वेश्चन यहाँ पे हमने डिस्कस किए. और मेरे प्रीवियस वीडियो इसी चैनल पर मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, अगर आपने वो देखे नहीं होंगे तो आप देख सकते हो. UPSC परसिवरेंस करके मेरा एक चैनल, मेरा चैनल है ये. आप इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हो. और यहाँ पे बहुत सारे मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट के मैगजीन्स क्वीज डेली क्वीज करंट अफेयर मैंने यहाँ पे डाले हैं. अगर आपने नहीं देखे होंगे तो आप एक बार देख लो और इस चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे. थैंक यू सो मच. गुड नाइट.